सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लेजेंड एक्सप्लेस। सो कैसे हो आप सभी लोग। सो मैं एक और अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, वो बड़ा वाला बॉक्स मैंने बोला था आपको। सो चलो इसको भी खोल के बता देता हूँ उसमें क्या आया था। इसमें हमारा कीबोर्ड आया था। चलो इसको निकाल लेते हैं। और सब फालतू की चीज़ें थी, इतना बड़ा बॉक्स था पर कुछ उसके साथ नहीं दिया था। चलो इसको साइड में रख देते हैं। ये सब पूरा बॉक्स, इतना बड़ा बॉक्स कुछ काम का नहीं है, बस ये छोटे से कीबोर्ड के लिए इतना बड़ा बॉक्स दिया था। तो ये फुल RGB हमारा कीबोर्ड है, चिपट्रॉनिक्स का है, मल्टी RGB मल्टीमीडिया। सो कार्टिनोस इसका मॉडल नंबर है। सो पीछे से भी एक सेकंड आपको बता देता हूँ ये भी। सो इसके साथ भी 2 साल की वारंटी थी। सो ये USB वायर्ड, फिर 144 कीज, फिर 25 एंटी गोस्टिंग की थी और 10 मल्टीमीडिया कीज है, फिर 3 स्पीड ऑफ लाइटिंग बैकलाइट है, फिर 7 RGB लाइटिंग मोड्स है और 5 लाइट लेवल है। मतलब वो लाइटिंग लेवल है कि कितनी आपको ब्राइट रखनी है, कितनी लो करनी है। और ये कुछ शॉर्टकट की है, वो तो आपको सारे बताता हूँ इसको चालू करके। मतलब ये चालू हो जाएगा, इसको आपको RGB फुल लाइटिंग करके मैं बताता हूँ इसको चालू करके। सो चलो इसको पहले खोल लेते हैं। सो इसको खोलना भी बहुत प्रॉब्लम वाला काम है। चलो भाई खुल जा बॉक्स, खुल जा सिम। चलो ये निकला, अब से इसको सीधा कर देता हूँ नहीं तो कीबोर्ड मेरे ऊपर ही गिर जाए। सो ये तो बिल है, इसको साइड में रखता हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी डिटेल्स है। सो ये बिल साइड में रख दिया। और ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसमें सब मॉडल नंबर मिल जाएगा, फिर आइटम कौन सी है, फिर फंक्शन कौन से है, फंक्शन भी सब कुछ मिल जाएगा। और ये ऐसा ही है कुछ छोटा सा, मतलब कितने कागज में दिया है कुछ तो ठीक से दे देता है, वारंटी कार्ड भी। छोड़ो इसको, चलो कीबोर्ड अपना निकालते हैं। सो ये रहा कीबोर्ड, और एक सेकेंड उसकी वायर। सो ये रहा कीबोर्ड, तो चलो इसको निकाल देता हूँ। ये थैली में से थैली दी है, अच्छी क्वालिटी की थैली दी है, इतना अच्छा है। सो ये रहा गाइस हमारा बीस्ट। सो ये कीबोर्ड बहुत चलने वाला है, ये कीबोर्ड तो अब मेरे। सो ये रहा चिपट्रॉनिक्स का, कूल लुक देता है ये कीबोर्ड भी। यहाँ पे आपको रेस्ट पैड भी मिल जाएगा, ये पूरा रेस्ट पैड। और ये कुछ नंबर लॉक वो सब की लाइट मिलेगी, यहाँ पे RGB चलेगी, फिर ये पूरी RGB विद बैक लाइट है। आपको अभी चला के भी दिखाता हूँ, रुक जाओ थोड़ा। सो बैक व्यू भी आपको देता हूँ, फ्रंट व्यू तो अब दे दिया। सो बैक व्यू में भी कुछ नहीं है, बस ये ऐसा पूरा आता है। और ये कुछ वो एंगल जैसा आता है, थोड़ा ऊपर से करना हो तो कीबोर्ड को, थोड़ा अपसाइड वो डाउन करना हो तो। सो ये पूरा ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ा अपसाइड हो जाएगा, ये थोड़ा यहाँ से ऊंचा हो जाएगा। सो ये रहा कीबोर्ड, अब इसको चालू करके आपको बताता हूँ। एक सेकंड में मैं जस्ट आया, यू गया यू आया। सो गाइस ये हमारा चालू हो गया RGB फुल RGB एकदम RGB में। सो एक सेकंड थोड़ा लाइट में बंद कर दूँ, सो आपको अच्छा लुक दिखे एकदम। सो गाइस एक सेकंड। सो ये गाइस देखो, ये फुल लुक ऐसे मिलेगा RGB। और आप चेंज भी कर सकते हो, बहुत सारी शॉर्टकट की है। सो ये पूरी रेड थीम, और ये आपकी स्पीड भी कम कर सकते हो, आप कितनी स्पीड इसकी रखनी है, ये लाइट चेंज हो पूरी। सो ये गाइस देखो, एक एक सेकेंड गाइस। सो गाइस ये पूरा, ये एंड वाली ऐसी दिखेगी, F8 और एंड, ये FN से ही सब कुछ होगा, ये वाली की से ही। इसको प्रेस करिएगा और इसको प्रेस करिएगा तो इससे ही सब कुछ होगा। सो ये एकदम धीरे धीरे, और ये पूरी ब्राइटनेस हो जाएगा, इसको आप फुल ब्राइटनेस होगा, फिर यहाँ से आपको कम ब्राइटनेस हो जाएगी, ये फुल ब्राइटनेस हो जाएगी, फुल RGB है, मज़ा आ जाएगी। ये चालू हो गई हमारी RGB। सो एक सेकेंड इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूँ। सो ये फुल RGB होने लगी, इसके अंदर मोड भी है ये वाला देखो। सो फुल कीबोर्ड गाइस एकदम वो दिवाली की रोशनी हो जाएगी पूरी की पूरी, RGB होता रहेगा, ये सब RGB है। सो गाइस कैसा लगा आपको, आपको भी चाहिए तो मैं तो बोलता हूँ कि इसके साथ जा सकते हो, आप ले सकते हो इसको। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्राइस सब कुछ मिल जाएगा, कहाँ से लेनी है कहाँ से नहीं। सो चलो गाइस मिलते हैं एक और वीडियो बनाने में जाता हूँ।
एक चीज अब हमारी बाकी है, सब कुछ अनबॉक्सिंग हो गया है, बस एक चीज अब बाकी है, वो भी वाईफाई एडेप्टर, वो भी आपको अनबॉक्स करके बताऊंगा, क्योंकि सारी ही चीज अब अनबॉक्स कर ही ली है तो वो क्यों नहीं। चलो गाइज मिलते हैं, वो भी कल या परसों आ जाएगा तो उसके भी वीडियो आपको बना के बता दूंगा और रिव्यू भी दे दूंगा उसका। ये कीबोर्ड तो एक नंबर है गाइस, एकदम जोरदार है ये कीबोर्ड तो। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।